Assalamu alaikum students, welcome to the lecture 2. In our first lecture, we have read about the prefixes, what was the role of prefixes in the words, in making the words, and how we made the opposites or antonyms by using prefixes, by using IL, IR and non in the words. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने in our first lecture में हम पढ़ चुके हैं. किस तरह इस्तेमाल करते हैं ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है. अब हम क्या करेंगे, नाउ वी सॉल्व द एक्सरसाइज एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन द आंसर सो दैट वी टाइम कैन बी सेव्ड. सो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एंड पे आपको अल्फाज दिए गए हैं. ठीक है, यहाँ पे लकी दिया गया, करेक्ट दिया गया है. ठीक है, प्योर लीगल दिया गया. अब ये अल्फाज हमें दिए गए हैं और हमने प्रीफिक्स बनाना है इनका. आपने पीछे पढ़ा है कि लकी हो या कोई भी ऐसे अल्फाज हो, प्रीफिक्स किस तरह बनाते हैं. मैंने आपको रूल बताया था आई एल आई आर नॉन, आपको वर्ड के मुताबिक उसके मुताबिक लगाना होता है. तो लकी है तो हमने यहाँ पे जब हम इसका प्रीफिक्स बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, अनलकी बन जाएगा. दो वी प्लेड वेरी वेल, हमने अगरचे हमने बहुत अच्छा खेला. वी वर लकी, हम बदकिस्मत थे. एंड लॉस्ट द मैच, और मैच हम हार गए. इन 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 द सेकेंड सेंटेंस, आमिर्स आंसर टू द क्वेश्चन डैश क्या था, आमिर का आंसर क्या था सवाल के मुतालिक, इनकरेक्ट था, क्योंकि हमने प्रीफिक्स बनाना है. हमने क्या बनाना है, प्रीफिक्स बनाना है. प्रीफिक्स से मुजाद क्या क्या मतलब है, क्या मुराद है. प्रीफिक्स से मुराद कि हमने दिए गए लफ्ज़ का मुतजाद बनाना है. मुतजाद से क्या मुराद है, मुखालिफ वर्ड. जैसे मैंने पहले बताया था कि रहम दिल है ना, तो प्रीफिक्स का काम क्या करना है कि काइंड या रहम दिल है तो उसको बेरहम या अनकाइंड बनाना है. ठीक है, ऑपोजिट जाना है, एंटोनिम जाना है. प्रीफिक्स का ये काम है. प्रीफिक्स का काम क्या है, हमें अल्फाजों का एंटोनिम बनाना या अपोजिट बनाना सिखाता है. इन थर्ड सेंटेंस, इमरान वाज स्लीप एंड वाज व्हाट दैट द ट्रेन हैड स्टॉप. यहाँ पे हमें दिया गया अवेयर. अब हमने अवेयर का प्रीफिक्स बनाना है. हमने पीछे सीखा है, क्या सीखा है, हमने प्रीफिक्स बनाते वक्त हमने यू एन आई आर सेंटेंस के मुताबिक लगाना है. अब यहाँ पे हम अनअवेयर लगाएंगे. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अनअवेयर. इन 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 द फोर्थ सेंटेंस, द कुकिंग ऑयल वाज टेस्टेड एंड फाउंड टू बी व्हाट, वी हैव गिवन द वर्ड प्योर एंड वी वांट टू मेक द प्योर इनटू प्रीफिक्स और अपोजिट. हाउ वी मेक, वी जस्ट नीड टू यूज आई एम बिफोर द प्योर एंड इट विल बिकम इम्प्योर. ठीक है, इन फिफ्थ सेंटेंसेस, इफ़ यू डू समथिंग डैश यू विल बी पनिश्ड, अगर आप कुछ गलत करोगे तो आपको सज़ा दी जाएगी. ठीक है, और गलत कैसे हो सकता है, जब आप कुछ इलीगल करो. ठीक है, यहाँ पे लीगल हमें दिए गए, हमने यहाँ पे क्या करना है, प्रीफिक्स यूज़ करके हमने क्या बनाना है, इसका ऑपोजिट बनाना है, इलीगल. सो इन सेंटेंस सिक्स, द ड्रेस इज़ मेड ऑफ सिल्क बट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव. अब एक्सपेंसिव जो लफ्ज़ है इसका हमने क्या करना है, हमने बनाना है ऑपोजिट बनाना है, हमने प्रीफिक्स बनाना है. तो हम आई एन पहले ऐड कर देंगे एक्सपेंसिव से, ये इन एक्सपेंसिव हो जाएगा. सेवन में क्या है, ड्यू टू इलनेस, बीमारी की वजह से, साद्स अटेंडेंस हैज़ बीन एक्सट्रीमली, क्या है, रेगुलर दिया गया हमें यहाँ पे अल्फाज. हमने क्या बनाना है, प्रीफिक्स बनाना है, मतलब हमने ऑपोजिट बनाना है लफ्ज़ को, रेगुलर को हमने क्या बनाना है, ऑपोजिट बनाना है. व्हाट वी विल यूज़, वी विल यूज़ आई आर बिफोर द रेगुलर वर्ड. ठीक है, तो ये इरेगुलर बन जाएगा. इन एट सेंटेंस, ही हैज़ ब्रॉट व्हाट टू हिज फैमिली बाई हिज शेमफुल कंडक्ट.
यहाँ पे वर्ड दिया गया ऑनर, यहाँ पे हमने क्या करना है, डिसऑनर करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमने ऑपोजिट बनाना है, क्योंकि हम प्रीफिक्स को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम डिसऑनर करेंगे तो ये हमारा प्रीफिक्स बन जाएगा। नाइन्थ सेंटेंस में द मैन वॉज टू ओल्ड एंड डैश वर्क फॉर सच वर्क, आदमी बहुत बूढ़ा था और इस काम के लिए काबिल नहीं था, तो फिट नहीं कर सकते, हमने ऑपोजिट बनाना है तो अनफिट कर देना है। ठीक है, UNFIT। इन सेंटेंस 10, जॉन वॉज डैश एंड नॉट अलाउड टू रन इन द रेस। अब यहाँ पे क्वालिफाइड है तो हमने क्या करना है, प्रीफिक्स बनाना है, मुतजाद बनाना है क्वालिफाइड का। तो क्वालिफाइड का मुतजाद जब बनेगा, प्रीफिक्स बनेगा, तो डिसक्वालिफाइड हो जाएगा। ठीक है, हमने डिस को आगे लगा देना है मुतजाद से, अपना क्वालिफाइड से पहले। इन 11 सेंटेंस द ग्रुप ऑफ बॉयज वर एबल टू कंप्लीट द डैश टास्क विद इन गिवन टाइम। पॉसिबल हमें दिया गया, आपने पीछे पढ़ा है कि अगर पॉसिबल हो तो हमने क्या करना है, प्रीफिक्स कौन सा ऐड करना है, आई एम को ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इम्पॉसिबल। सो इन सेंटेंस 12 ही वॉज सो बैडली इंजर्ड दैट ही वॉज अनएबल टू मूव। यहाँ पे एबल दिया गया तो हमने पीछे प्रीफिक्स में पढ़ा है कि अगर एबल हो तो हमने यू एन पहले लगा देना है, अनएबल बन जाएगा। ठीक है, और इन सेंटेंस 13 में द मैन इज डैश मोर्टल है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, आई एम लगा देना है, इमोर्टल के साथ हमेशा प्रीफिक्स आई एम लगेगा, याद रखना आपने। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा द मैन इज इमोर्टल। ठीक है, इन 14 सेंटेंस वन मस्ट नॉट बी डैश टू ए गेस्ट। अब यहाँ पे कर्टियस है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे डी एस पहले लगा देना है। ठीक है, और जैसे आप लगाएंगे तो ये सेंटेंस बन जाएगा, वर्ड बनने जाएगा। उसके बाद 15 में है, इन एग्जामिनेशन डू नॉट राइट व्हाट थिंग्स रेलिवेंट। हमें दिया गया लफ्ज़, हमने रेलिवेंट का क्या बनाना है, प्रीफिक्स बनाना है। प्रीफिक्स बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, इरेलीवेंट। जब भी रेलिवेंट आएगा तो इसके प्रीफिक्स से पहले जो लफ्ज़ होगा वो IR होगा। तो आपने ये जो एक्सरसाइज है इसको अच्छी तरह बैठ के तैयार करना है, और इसकी एक्सरसाइज के आपने टेस्ट बना लेना है। ठीक है, और इस टेस्ट को आपने अपने वालदैन के सामने या ट्यूटर के सामने इसको हल करके दिखाना है।